खरगोन शहर के शासकीय पशु चिकित्सालय परिसर में पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में प्रारंभ हुए जिला स्तरीय गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी, उप संचालक पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजू रावत, एसी पटेल सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी और पशुपालक मौजूद थे। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले गाय एवं भैंस को 50,000, द्वितीय 25,000, तृतीय 15,000 तथा शेष 7 गायों एवं 7 भैंसों को 5,500 रुपए का सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। भैंस वंश में प्रथम पुरस्कार डालका के बाबूलाल चंपालाल, द्वितीय पुरस्कार दशावल के सावन जगदीश और तीसरा पुरस्कार बबलू संतोष को दिया गया। इसी तरह गौवंश में पंधानिया के रविंद्र मायाराम को प्रथम पुरस्कार, अंजड़ के भोलेनाथ पन्नालाल और तीसरा पुरस्कार खरगोन के विनोद बाबूलाल को दिया गया। प्रतियोगिता विकासखंड जिले पर आयोजित की जाती है। उसका मूल उद्देश्य ये है कि पशुपालकों में गो संवर्धन को और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। आज पुरस्कार वितरण भी था, किन किन लोगों को पुरस्कृत किया गया? इसमें गोवंश और भैंसवंश में अलग अलग वर्ग में पुरस्कार किया गया। इसमें क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय एवं जो बाकी की जो 7 थी उनको सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उसी प्रकार भैंसवंश में प्रथम द्वितीय तृतीय एवं शेष 7 भैंसों को सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत। क्या नाम सर आपका पूरा? मैं डॉक्टर राजू रावत।